ओवरसीज में शाहरुख भाई छाए हुए रहते हैं हमेशा। हालांकि शाहरुख खान ने इस पिक्चर में ओवरसीज वालों की बजाई है। एक थिएटर ऐसा बंद है का, बहुत टाइम से बंद है, 9 AM का शो, 11 AM का शो फुल दिखा रहा है। क्या बात, मोए मोए। हाँ, उनका मोए मोए हो गया सर। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, डंकी एंड सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहर आ गया है, पूरे दुनिया ने देख लिया है। अब बड़ी खबर ये आ रही है अबाउट सलार्स बॉक्स ऑफिस स्कैम। हमारे साथ में हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स गोलू, विग्नेश एंड समृद्ध, स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जान के लेंगे ये स्कैम क्या है और एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस के नंबर्स दोनों फिल्मों के क्या आए हैं। शुरुआत मैं करूंगा फर्स्ट डे ऑफ मुंबई गोलू के साथ में, क्या है डंकी से शुरुआत करेंगे क्योंकि पहली पिक्चर शाहरुख की डंकी। यस यस सर जी, डंकी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर अब तक देखेंगे तो 305 करोड़ हो चुका है कम्प्लीट। इंडिया नेट की बात करें तो 152.01 करोड़ एंड इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 182.5 crore। और ओवरसीज में जरा डंका जरा भारी है हमारे शाहरुख सर का, सलार से ज्यादा है। यस आई एक्सेप्ट और पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है क्योंकि ओवरसीज में शाहरुख भाई छाए हुए रहते हैं हमेशा। यस 122.5 crore ये है डंकी के कलेक्शंस। और ओवरसीज में हमेशा की तरह डंकी भाग रही है, शाहरुख पाजी छा रहे हैं। रही बात सलार की, सलार का तो स्कैम भी सामने आया है सर जी, सलार की मतलब क्या ही बात करें। अरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो सर जी ये भी सुपर हिट हो चुकी है डंकी की तरह। 400 करोड़ की बजट थी मूवी की और अब तक एक हफ्ते के अंदर इन्होंने अपना बजट कवर कर लिया है। 450.7 crore वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुका है सलार का और इंडिया नेट कलेक्शन है 295.4 crore, इंडियan ग्रॉस 348.7 crore। और ओवरसीज में थोड़ा डंका कम बजा है सलार साहब का क्योंकि इंडिया में सलार ज़्यादा दौड़ी है, डंकी से कुछ ज़्यादा दौड़ी है। यस, मासेस के ज़्यादा दीवाने हैं। तो सर जी ओवरसीज में 102 करोड़। रही बात अगर स्कैम की बात करें तो जहाँ तक इनका रिसर्च एक बोलता है कि ये जो बातें चल रही है स्कैम को लेके, ऐसा लग रहा है कि बुक माई शो वालों ने बहुत अलग लेवल का स्कैम कर दिया। इसको बोल सकते हैं हम स्कैम 2023, स्कैम 23 बोल सकते हैं इसको, ये साल का एंड होते होते थे बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है क्योंकि कलेक्शन। यस ये तो हम पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे क्योंकि पब्लिक ही बता सकती है, देखो ऑडियंस ही बता सकती है पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। तो सर स्कैम भी क्या ओरिजिनली किसने किया है ये भी पब्लिक ही बताए तो अच्छा रहेगा सर। करोड़ बढ़ के आए, क्या हुआ, पब्लिक पे छोड़ा है, पब्लिक पे छोड़ा है सर जी। पोस्टर बॉक्स ऑफिस के रिलीज किए थे सलार वालों ने, हाँ वो बाद में डिलीट भी होते हुए हमने देखे। ओके, और फिर डंकी वालों ने कुछ रिलीज किए लेकिन डंकी वालों ने प्रॉपर कलेक्शन देते हुए ना डिलीट किया ना कुछ। अच्छा, किया आपको क्या कहना है इस स्कैम 2023? अच्छा, जैसे गोलू ने इसका नाम दिया स्कैम 2023। स्कैम तो पहले से हो चुका है सर जी, डंकी रिलीज होने से पहले। डिलीट से कुछ और याद आता है ना आप लोगों को? खैर कोई बात नहीं है, वो सब ऑडियंस जानते ही है कि पहले मिठाई खाने से पहले लोग कुछ और बोलते हैं, मिठाई खाने के बाद कुछ और बोलते हैं। ठीक है, वो बात ठीक है, वो बात तो ऑल है। अभी डंकी की अगर बात करें, जैसे इसकी बजट है 120 करोड़, उस हिसाब से इंडिया में अब तक 153 टोटल किए हैं एंड ओवरसीज में 305, राइट? हाँ, उस हिसाब से बजट के हिसाब से कलेक्शन बहुत अच्छा है, ऑलरेडी सक्सेसफुल पिक्चर है। हाँ, लेकिन वो बात उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पा रहे जो लोग जो पठान और जवान कर पाए क्योंकि उसकी बात ही अलग है, उसके बजट भी एकदम हाई थी एंड वो एकदम की एक्शन टाइप की फिल्म है एंड आजकल लोगों को एक्शन फिल्में ज्यादा देखना पसंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी हमारे इधर बोलते हैं कि डंकी शाहरुख खान की जो राजकुमार ईरानी जो हमेशा फ्लेवर लाते हैं उस हिसाब से नहीं है लेकिन एक अलग सब्जेक्ट पे बनाई है। राजकुमार ईरानी सबको मानना पड़ेगा, किसी ने हिम्मत नहीं की कि ये सब्जेक्ट में फिल्म बनाऊंगा लेकिन राजकुमार हिरानी सर ने बना के दिखा दिया एंड ओवरसीज में ज्यादा चल रही है। हालांकि शाहरुख खान ने इस पिक्चर में ओवरसीज वालों की बजाई है, वहाँ लंदन में जाके क्या क्या बोलते हैं जज के सामने के, तो ओवरसीज में मतलब कि अच्छे चल रहे, वो बात सही है। तो कलेक्शन बहुत अच्छे है डंकी की। अभी बात करें सलार की, सलार ओके इंडिया में 295 और वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड 450 ओके हाँ उन्होंने पोस्टर रिलीज किया है 500 हाँ क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स तो अभी सलार इज नॉट द फर्स्ट मूवी ऐसे तो होते रहते हैं झूठे कलेक्शंस के टाइम भी हुआ था हर पिक्चर में ऐसा होता ही है यार एंड पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत आ रही थी रूमर्स आ रही थी कि जैसे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे ऐसे कुछ चल रहा था उस हिसाब से देखो लेकिन एक बात है सलार लोग जैसे बोल रहे हैं कि वो बात जो बात KGF में थी उस बात वैसी बात तो है नहीं सलार लेकिन कलेक्शन वाइज जैसे इन्होंने बोला था हमारे हिसाब से तो पिक्चर कोई भी कलेक्शन हो पिक्चर तो अच्छी चल रही है दोनों पिक्चर अच्छी चल रही है मैं भी यही बोलूँगा और हाँ उसमें कोई शक नहीं है लेकिन वो बात जो KGF में थी वो बात इसमें नहीं है बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर आती है ना जब तो कलेक्शन थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते ही है या हर पिक्चर में ऐसे होते ही है मेरे हिसाब से तो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है सेकंड इडियट बिजनेस में आता हूं थर्ड के पास में यस सर क्या बोलना चाहोगे बॉक्स ऑफिस एंड द स्कैम दोनों पिक्चर सर टंकी से सर अभी मैं क्या बोलूँ सर चलो ठीक है अभी बोलना ही पड़ेगा अभी मुंह खोला है तो खोलना ही पड़ेगा ना सर क्योंकि हम लोग दूसरे की तरह मिठाई विठाई नहीं खाते ना सर पिक्चर आई है तो बोलना ही पड़ेगा सर जी अभी देखो कुछ दिन पहले जब सलार का एडवांस बुकिंग चालू होता सर सलार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं डंकी के बारे में बात नहीं करूंगा सर क्योंकि डंकी तो ऑलरेडी हिट हो सुपर हिट हो चुकी है सर क्योंकि बादशाह खान है तो बॉलीवुड से बोलते ना तीसरा सुपरस्टार कोई नहीं है सर तो अभी सलार के बारे में बात करना चाहूँगा जब एडवांस बुकिंग जब चालू हुई थी बुक माय शो क्रैश हुआ था सर लगता है वही बदला इसमें ले रहा है सर बुक माय शो ऐसा मुझे लग रहा है वो स्कैम दिखा रहा है कि बाबा तुम लोगों ने मुझे क्रैश किया था ना अब ये पिक्चर को मैं क्रैश करता हूँ मैं दिखाओ अभी क्या करते ऐसा हो गया सर क्योंकि ना कॉरपोरेट्स बुकिंग दिखा रहे एडवांस वो बोलते हैं ना कुछ कुछ थिएटर बंद है वो भी दिखा रहे सर जितना तो ये बहुत गलत है दिखा रहा है और फुल जा रहा है अभी स्कैम क्या हुआ मालूम है सर कि एक पोस्ट देखा था मैंने कि दिल्ली में एक थिएटर है सर बंद है बहुत टाइम से बंद है उसमें से 9 AM का शो 11 AM का शो फुल दिखा रहा है क्या बात और देख और वहां पे आके ऑडियंस देखती है तो थिएटर ही बंद है वो अभी कैसा हो गया मालूम है सर कि वहाँ पे ऑडियंस जाके देखो देखता तो थिएटर बंद है उनका मोए मोए हो गया सर मोए मोए हाँ उनका मोए मोए हो गया सर तो ये गलती है किसकी ये मेकर्स की है डिस्ट्रीब्यूटर की है क्या एग्जीबिटर की है एग्जीबिटर भी आता है सर गलती अभी वही जाने भाई वो भगवान जाने डार्लिंग प्रभास ही जाने क्योंकि इसलिए अभी वो चुप है रही बात ऑडियंस के हिसाब की दोनों मतलब ऑडियंस को दोनों ही पिक्चर एक हिसाब से पसंद आई है और दोनों अभी तक तो मेरी सबसे सुपर हिट पर एक्चुअल देखने गए ना सर डंकी भी सुपर हिट है और सलार भी सुपर हिट हो गए बजट कवर हो चुका है बजट तक कवर हो चुका है सर क्योंकि वो सैटेलाइट राइट्स हो तो वो बाद में देखा जाएगा लेकिन मेन जो है बॉक्स ऑफिस है टिकट घर पे कितना पास कितने सारे पैसे गए वो इम्पोर्टेंट है सर और वो टिकट घर पे लाइन दिखी बॉक्स गेटी और गैलेक्सी में वो सीट खाली नहीं दिखे वो मुझे अच्छा लगा तो पिक्चर दोनों सुपर हिट है सर यस सर जैसे आप हमेशा बोलते हो एक फ्राइडे होता है सर जी हाँ जी किसी को गिराना और किसी को उठाना सर वही बात है सर जी बॉक्स ऑफिस पे जो जीता वो असली हकदार होता है जीत का एंड इक्वेशन चेंजेस एवरी फ्राइडे यस प्रोबेबिलिटी कुछ भी बता सकती है ऑडियंस क्या हमारी बोलना चाहती है इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख के या ये स्कैम है या नहीं ये yes, जरूर yes. हमको कमेंट्स में बताना हाँ जी सर यस यस लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना नया साल शुरुआत होने वाला 5 लाख सब्सक्राइबर करने हमको जल्दी से जल्दी करो और कमेंट सेक्शन में ज्यादा एंगेज रहिए क्योंकि सर जी ऐसे बहुत से टॉपिक्स आते हैं सर हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं और ऑडियंस एंगेज नहीं दिखती और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा सर जो कमेंट्स हम लोगों ने ये टॉपिक दिया उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ये सलर ये जो स्कैम चल रहा है उनको जिसने भी कमेंट सेक्शन किया उनको थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद